गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर टूडेज क्लास 11th कॉमर्स, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, चैप्टर 6, अकाउंटिंग इक्वेशंस, टॉपिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट हम कर रहे थे, इसमें आज हमारा सम है 16। इसमें हमें जो है ये अमाउंट्स दी गई है, ये ट्रांजेक्शन दी गई है, जिन्हें क्या हमें डेबिट और क्रेडिट करना है अकॉर्डिंग टू रूल्स। सबसे पहले हमारे पास सहदेव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 5 लाख। सहदेव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सबसे पहले हम क्या है ये जानेंगे कौन सा अकाउंट है हमारे पास। एक तो हमारे पास है कैश आ रहा है, तो क्या है कैश अकाउंट, किस रूप में आ रहा है। बिजनेस स्टार्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट। दो अकाउंट हमारे यहाँ बन रहे हैं, कैश का और कैपिटल का। कैश हमारे पास आ रहा है, कैश क्या हमारी एसेट्स, कैपिटल क्या हमारी कैपिटल के रूप में हम इसे शो करते हैं। एसेट्स कैश आ रहा है तो क्या इंक्रीज़ हो रही है, कैपिटल भी हमारे पास क्या है इंक्रीज़ हो रही है, तो दोनों क्या है होंगे हमारा डेबिट कौन होगी एसेट्स, क्रेडिट कौन होगी कैपिटल। क्योंकि जो भी डेबिट इंक्रीज होता है एसेट्स में उसे डेबिट करते हैं, अगर कैपिटल में इंक्रीज होता है तो उसे हम क्या करते हैं क्रेडिट। इसी प्रकार सेकंड है हमारे पास परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 20,000। अब क्या हमारे पास एक तो परचेज अकाउंट बनेगा, एक क्या है कैसे खरीदा हमने कैश में खरीदा, एक क्या हमारा कैश से रिलेटेड हमारी ट्रांजेक्शन हो रही है। परचेज क्या हमारे लिए एक्सपेंस है और कैश क्या हमारे लिए एसेट्स है। तो एक्स परचेज किया हमने यानी कि गुड्स हमारे पास आ रहा है, तो क्या इंक्रीज़ हो रही है हमारी जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज़ हो रही है। इस तरह के कैश एसेट्स हैं, कैसे खरीदा हमने नगद खरीदा है, तो माल आया है और पैसा गया है, तो कैश में क्या हमारा डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि कैश हमारा कम हो रहा है, उसके बदले में हमने क्रय कर लिया। तो ये क्या हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इंक्रीज होता है तो उसे हम क्या करते हैं डेबिट। इसी प्रकार से कैश हमारी एसेट्स है, एसेट्स में हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, एसेट्स में डिक्रीज़ होगा तो क्या करेंगे क्रेडिट। इसी प्रकार थर्ड है परचेज गुड्स फ्रॉम रघुबीर ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज़ 25,000। क्या है परचेज कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं रघुबीर से। रघुबीर क्या हमारा लेनदार है यानी कि क्रेडिटर है। क्रेडिटर क्या होते हैं हमारे लाइबिलिटी होती है, अकाउंट की नेचर क्या होगी लाइबिलिटी अकाउंट। और इसी प्रकार से परचेज क्या हमारा एक्सपेंस है, क्रय किया है तो इंक्रीज़ हो रहा है, उधार क्रय किया है तो लाइबिलिटी में भी इंक्रीज़ हो रहा है, दोनों में ही इंक्रीज़ हो रहा है। तो एसेट्स एक्सपेंस में इंक्रीज़ होता है तो डेबिट करते हैं, इसी प्रकार हमारी लाइबिलिटी में इंक्रीज़ होता है तो क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं, ठीक है। परचेज फर्नीचर फ्रॉम फैंसी फर्नीचर हाउस फॉर रुपीज़ 1,50,000 ऑन क्रेडिट। फर्नीचर आ रहा है, किससे लिया है फैंसी फर्नीचर का हाउस से, कैसे लिया है उधार लिया है, तो क्या हुआ ये हमारा क्या हुआ लेनदार यानी कि लाइबिलिटी बन रही है हमारी। लाइबिलिटी हम यहाँ लिखेंगे, फर्नीचर क्या है एसेट्स है हमारी, तो एसेट्स में हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट करेंगे, लाइबिलिटी में भी हमारे पास क्या हो रहा है इंक्रीज़ क्योंकि उधार क्रय किया है, ठीक है। लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो यहाँ हमें क्रेडिट कर देंगे। फिफ्थ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 30,000। हमने क्या है माल बेचा है नगद में 30,000 का, तो कैश क्या है हमारे पास इंक्रीज़ होगा, हमारी एसेट्स हैं। इसी प्रकार सेल क्या किया है हमने, माल सेल किया है, उसके बदले में क्या है सेल क्या होता है हमारी रिवेन्यू होती है, सेल के बदले में क्या प्राप्त हो रही है इनकम प्राप्त हो रही है, ठीक है। रिवेन्यू एसेट्स में भी इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि कैश आ रहा है। इसी प्रकार सेल है, सेल देंगे तो सेल क्या हमारा रिवेन्यू नेचर होगी इसकी, ये क्या इंक्रीज़ हो रहा है। एसेट्स में इंक्रीज़ होता है तो डेबिट करते हैं, रिवेन्यू में इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट करते हैं। सोल्ड गुड्स टू युवराज ऑन क्रेडिट रुपीज़ 50,000। युवराज को माल बेचा है, युवराज क्या हो गया हमारा देनदार हो गया यानी कि डेटर हो गया, डेटर क्या होते हैं हमारी एसेट्स होते हैं। इसी प्रकार सेल्स, सेल्स से क्या हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, क्या ये हमारा रिवेन्यू हो गया। सेल्स क्यों हम बार बार करते हैं यानी कि रिवेन्यू नेचर की है, ये बार बार करेंगे हम क्योंकि हमारा बिजनेस ही क्या है सेल परचेज करना। तो एसेट्स क्या हमारे पास इंक्रीज हो रही है, रिवेन्यू भी इंक्रीज हो रही है। एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो डेबिट कर रहे हैं, रिवेन्यू इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर रहे हैं। कैश पेड टू रघुबीर रुपीज़ 20,000। रघुबीर क्या हुआ हमारा लेनदार था, इसे हमने क्या पैसा जो है दे दिया है। रघुबीर क्या था हमारा लेनदार यानी कि क्रेडिटर, लाइबिलिटी थी हमारी। इसी प्रकार से कैश, कैश जा रहा है क्यों हमने इसे क्या कर दिया पे कर दिया है। लाइबिलिटी क्या हो रही है हमारी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, क्योंकि हमने उसका पैसा दे दिया है। इसी प्रकार से कैश क्या था हमारी एसेट्स था, हमने पे किया है कैश, तो क्या एसेट्स जो हमारी कैश की वो कम हो रही है, दोनों ही डिक्रीज़ हो रही हैं। तो लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं,
और कैश जो डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अच्छे से करने हैं आपको ये। कैश रिसीव्ड फ्रॉम युवराज रुपीज़ 15,000। कैश क्या है, हम रिसीव कर रहे हैं युवराज से, कैश हमारे पास आया, हमारी एसेट्स है वो इंक्रीज होगी। युवराज क्या था, हमारा डेटर था, तो क्या है हमारी एसेट्स था, डिक्रीज हो रही। कैश हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है और डेटर जो वहाँ से ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि दोनों ही एसेट साइड पे इफेक्ट पड़ रहे हैं। तो एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट, और जहाँ से डिक्रीज हुई है उसको क्रेडिट। पेड रेंट रुपीज़ 10,000। रेंट जो हमने पे किया है, रेंट क्या है हमारे लिए एक्सपेंस है, क्या है रेंट इंक्रीज हो गया हमने क्योंकि पे किया है, लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई थी। कैश कैश के रूप में पे किया है तो हमारी कैश हमारी एसेट्स होता है, तो ये क्या है डिक्रीज हो गया क्योंकि हमने 10,000 रुपये जो है रेंट के रूप में पे कर दिए। ये क्या होगा हमारा डेबिट होगा, और जो कैश है वो हमारा क्या होगा क्रेडिट होगा क्योंकि कैश क्या है डिक्रीज हो रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट सम में हमें कहा गया है कि ओपन टी सी एफ अकाउंट फॉर फर्नीचर एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड। फर्नीचर से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन दी गई है और हमें फर्नीचर अकाउंट जो है तैयार करना है, ठीक है। सबसे पहले हम फर्नीचर अकाउंट की जो है टी शेप बना लेंगे, ऊपर लाइन लगाएंगे एक कॉलम अमाउंट के लिए, फिर ये हमारी क्रेडिट साइड और ये अमाउंट के लिए कॉलम। इस साइड हम फर्नीचर में जो इंक्रीज होएंगे उनको लिखेंगे, इस साइड जो डिक्रीज होएंगे उनको लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें कहा गया है फर्नीचर परचेज्ड फॉर 20,000। क्या है, हमने फर्नीचर क्या है 20,000 रुपये में ख़रीदा है, तो क्या फर्नीचर हमारा क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन ख़रीदा कैसे, तो फर्नीचर अकाउंट हम डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को क्या करेंगे हमें क्रेडिट करेंगे, तो इस साइड लिखने के लिए हम टू कैश करेंगे क्योंकि फर्नीचर हमने कैश में ख़रीदा है 20,000 का, ठीक है। सेकेंड है फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग रुपीज़ 5,000। हमने क्या है सेल कर दिया, कितने में 5,000 में सेल कर दिया, तो क्या होगा हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट होगा, टू फर्नीचर अकाउंट करेंगे। तो फर्नीचर हमने सेल कर दिया है तो बाय कैश लिखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि पैसा जो हमारे पास आ रहा है ये क्या होगा हमारे पास 5,000 रुपये आ रहे हैं और फर्नीचर जो है हमारा कम हो रहा है, फर्नीचर कम हो रहा है यानी कि डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर हमने क्रेडिट कर दिया। इसी प्रकार नेक्स्ट है हमारे पास फर्नीचर अगेन परचेज्ड फॉर रुपीज़ 8,000। और फर्नीचर हमने कैश में ख़रीदा है 8,000 का, फर्नीचर में इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे डेबिट साइड क्योंकि हमारी एसेट्स है, इसलिए हम ये रूल फॉलो कर रहे हैं कि जो भी इंक्रीज होगा वो डेबिट और जो डिक्रीज होगा वो क्रेडिट। नेक्स्ट है ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड फॉर रुपीज़ 205,000। ओल्ड फर्नीचर था वो हमने बेच दिया है, डिस्कार्ड हो गया यानी कि वैल्यू लेस हो गया है, ठीक है। कितने से 2,500 से डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज रिड्यूस्ड बाय रुपीज़ 2,000। डेप्रिसिएशन है यानी कि डेप्रिसिएट हो गया, उसकी वैल्यू कम हो गई है 2,000 से, तो डिक्रीज हो रहा है, इस साइड लिख देंगे। फिर इनका जो है हम टोटल निकाल लेंगे, इस साइड का टोटल हमारा 28,000 आएगा और क्रेडिट साइड का आएगा हमारे पास 9,500। तो डेबिट की साइड जो है ज़्यादा है, तो फर्नीचर हमारे पास अभी कितना है 18,500 का हमारे पास फर्नीचर जो है अभी है, बैलेंस निकल गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट में हमें संजय का अकाउंट तैयार करने के लिए कहा गया। संजय कौन है, हमारा क्रेडिटर है, तो जो भी डिक्रीज होगा वो डेबिट साइड, जो इंक्रीज होगा वो क्रेडिट साइड। नेक्स्ट समय में डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट और कैश अकाउंट तैयार करने के लिए कहा गया है। कैश अकाउंट में जो भी इंक्रीज होगा वो डेबिट, डिक्रीज होगा वो क्रेडिट। इसी प्रकार से एक्स डेटर है, डेटर्स कौन होते हैं, हमारी एसेट्स होते हैं, एसेट्स में इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं और जो डिक्रीज होता है वो क्या करते हैं क्रेडिट। इसी प्रकार से वाई, वाई कौन है क्रेडिटर यानी कि लाइबिलिटी, तो जो भी इंक्रीज होगा वो क्रेडिट और जो डिक्रीज होगा वो कहाँ लिखेंगे डेबिट, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट सम कैपिटल अकाउंट हमें तैयार करना है, जो डिक्रीज होगा वो डेबिट साइड, इंक्रीज होगा वो क्रेडिट साइड। सबसे पहले आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अच्छे से करना होगा इसके लिए, उसके बाद ये सम हम कर पाएंगे। तो ये सारे सम आपको इनसे रिलेटेड जो अकाउंट्स है वो अच्छे से तैयार करने हैं। थैंक्स।